तो गाइस इधर बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है कि बस बना रही है साबूदाने की खिचड़ी। मम्मी साबूदाने की खिचड़ी बना रही है, बना रही है कि बना रही है, बना रही है कि बना रही है, बना रही मम्मी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप गिरी ब्लॉग में। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत दिनों बाद साथ लेके जा रहे, कहीं बैग लेके कहीं साथ में लेके जा रहे घुमाने। और वो कहाँ लेके जा रहे ना, आप लोग भी सोच नहीं सकते, वहीं से रिटर्न भेज देंगे मुझे। ऐसी हालत में लेके जा रहे हैं, देखो फेस देखो, कुछ भी नहीं है, इनको देखो। कहाँ लेके जा रहे तुम्हें? हाँ, जहाँ पैसे ही पैसे रहते हैं। वही मैंने बोला ना, वहीं से मुझे रिटर्न भेज दो, वहीं से रिटर्न भेज देंगे, बस काम से लेके जा रहे हैं मम्मी लेने के लिए। इतने सो गाइस, आज सुबह सुबह राहुल को एक बच्चन ने वीडियो बना दिया है। वो टायर देख रहा था तो मेरे को लगा शायद हो सकता है कि टायर में हवा कम हो, ऐसे तो है। अप्रैल है ना, अप्रैल फुल। देखो तू रुक गया गाड़ी में, क्या बैंक से चलेगा? नहीं मैं रुकूंगा, आराम करेगा। पटक ये क्या बना आज? दिख दिख दिख, क्या बना है? क्या ये गॉगल है? कितने का लिया? 800 रुपए का। 800 रुपए का, इसका 5 रुपए ना दूंगा, 800 रुपए दे देना। तुम कभी पहने नहीं हो गॉगल तो 800 बोलोगे ये भाई। पाठक कुछ भी बोल, हैंडसम दिख रहा है लेकिन, मतलब शादी कैंसिल हो गई तो फिर हैंडसम में बन गया तू? तो मतलब तो पहले तो चश्मा नहीं खरीदता था 800 रुपए, फ्राइडे मार्केट वाला पहनता था, अभी कैसा? पोजीशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कैसा चेंज हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। ठीक है चल फटाफट, फिर जहाँ जाना हमें वो काम करके फटाफट से आते, ठीक है? कहाँ पे? डैश टी। डैश टी क्या होता है? आके बताएगा डैश टी क्या होता है। तो चलो दोस्तों, पाठक जी का एक आया है डैश टी, तो क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काम था वो हो गया। एक्चुअली जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए कैमरा शूट नहीं कर पाए हम लोग, कि हम लोग कहाँ पे आए थे। एक काम था वो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, क्या है पाठक जी? BRC। ये BRC है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलेंगे। पाठक तू रब्जे नहीं पिला यार, भुला देता तू। पक्का? चल ठीक है, सही है। तो सेड़ा बनाया ना मेरे को? क्या एड़ा बनाया? रुबजा बोला, रुबजा पिलाया नहीं सही। अरे पिलाता हूं ना यार, चश्मा पहन लिया तो मतलब कुछ भी करेगा। आए हीरो, इतना बड़ा बन गया है। आए हीरो। नींबू नहीं है? नींबू नहीं है, नींबू नहीं है। दोस्तों नींबू ही नहीं है इधर, तो पिलाएगा क्या? मजा ही नहीं आएगा नींबू के बिना। ठीक है चल। अरे क्या बोल, लगवा रहा है? क्या लगवा रहा है? मोबाइल पे ग्लास यार टूट गया था। टूट गया था? कैसे टूटा? अरे मोबाइल गिर गया था। मतलब 800 का चश्मा लिया फ्राइडे मार्केट से, तो कौन दिया 800 का चश्मा, को समझ में नहीं आ रहा भाई। फ्राइडे मार्केट राइट विजन से लिया। राइट कौन सा विजन? राइट विजन। नाशपाती क्या? नाशपाती बोलते हैं, पाइनएप्पल। हिंदी में भी पाइनएप्पल ही बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनानास। अनानास बोलते हैं? नाशपाती बोलते हैं। कितना पसंद आ देखो, कितना पसंद आ देखो? 42 86 नहीं। ठीक है दोस्त, एक और देना है। अकेले कैसा है यार, पिएगा? एक नंबर। तो गाइस यहाँ पर देखो मैडम जी ने क्या किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक मैडम जी है, और मैडम जी आती है रोज और ये सारे काम करके जाती है। सर ओमकार आपका क्या लगता है कौन है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से आप मेरे स्टूडेंट हो ना गाइस, उसी तरह से ओमकार भी मेरा एक स्टूडेंट ही था। सो टेंथ में वो मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आया था, बट टेंथ में मेरे क्लास का एडमिशन पूरा फुल हो गया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसने तुरंत 11th में जब गया तो 11th में सबसे पहले आके एडमिशन उसने ले लिया था, क्योंकि उसको पता था गिरी रूरल में एडमिशन ऑफलाइन एडमिशन बहुत जल्दी फुल हो जाता है। फिर इसके बाद वो हमारे पास 11th में था, 12th में था, बट जैसे नॉर्मल लड़के रहते उसी तरह से उसका बर्ताव था, एकदम ये वह ऐसा एकदम। तो पर हमारा ओमकार के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, ओमकार के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था। 12th के बाद हमें हमारे एडमिन सेक्टर को संभालने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा लड़का चाहिए था, और हम पे क्योंकि एडमिन सेक्टर को संभालने के लिए हम सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम सोच रहे थे हम किसको लाए। तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं था ओमकार पे, पर पता नहीं कैसे हमने सोचा कि यार चलो ओमकार करके एक लड़का है 12th स्टैंडर्ड में, उसको बोलते हैं। तो ओमकार को हमने ऐसे बुलाया, फिर वहीं से ओमकार को अगर हम जो बोलते हैं ना उससे वो डबल करके देता है। मतलब इस तरह से उसने रिलेशन बनाया, इस तरह से चीज़ों को किया ना, कि आज इतना ट्रस्ट उस पर बन गया है
कि जो ट्रस्ट हम किसी और पे नहीं कर सकते वो ओमकार पे कर सकते, सभी चीज़ें उस बंदे को अगर जो चीज़ हम बोलेंगे ना कि ओमकार ये हो जाएगा क्या, बोलेगा सर हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ उसके मुंह पे ना बिल्कुल नहीं निकलता। बोलते हैं उसने अपने आप को इतना चेंज किया ना, अगर मैं उस समय की बात करूँ तो अगर मैं परसेंट में बताऊँ तो उस समय अगर वो 1% होगा तो उसने अपने को 500% चेंज किया हुआ है, इतना चेंज किया। क्योंकि बोलते हैं ना अगर आपके अंदर करने की ललक है, हार्डवर्क करने की ललक है ना, तो हम लोग उसको रोकते रहते, भाई मत आ अभी आज आराम कर ले, पर वो मानता ही नहीं। बोलता नहीं सर मुझे सीखने का बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये ओमकार की छोटी मोटी सी जर्नी है हमारे साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। उस बंदे को अगर मैं बोल दूंगा ना ये करना है, मैं ना कर दूँ, बोले नहीं सर हो जाएगा सर क्या टेंशन है ऐसा। अब चलो बताते हैं पाठक कौन है मेरा, पाठक। सो अब पाठक कौन है, पाठक मैं आपको बताना चाहूँगा, पाठक आप जैसा ही मेरे एक और स्टूडेंट है, पर वो बहुत मस्त मौला आदमी, मतलब उसको पढ़ाई वढ़ाई है कोई टेंशन लेना देना नहीं है उसको, बस मस्त इधर उधर घूमो फिरो, मजा मस्ती करो और हंसी मजाक करो। उसके चेहरे पे ही हंसी, वो जैसा आपको दिखता है ना सच में वैसा ही है, हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है, ऐसा ही है। बट मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, 9th स्टैंडर्ड में जब आया तो उसको लगा यार यहाँ भी सब जगह टीचर्स कम हो जाता है, इधर भी कर लेंगे। जब इधर आया तो बोलते इधर सिस्टम तो गड़बड़ है, इधर तो सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जब तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता गया, जब उसको पता चला मुझे सॉरी थोड़े दिनों के बाद मुझे उसके बारे में पता चला, मुझे उसके बारे में क्या पता चला कि 5th स्टैंडर्ड में ही जब था तो उसके पापा का डेथ हो गया, और इससे एक बड़ी बहन थी और इससे इस मतलब ये 2nd नंबर पे था और इससे एक और छोटा भाई है, पर घर का पूरी से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पाठक के ऊपर ही था, रेक्स पाठक, राम नरेश पाठक इसका नाम है। तो राम नरेश पाठक के ऊपर पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी और घर में और कोई इनकम का सोर्स नहीं था। फिर धीरे धीरे जब ये हमारे साथ रहने लगा, 9th पढ़ा 10th पढ़ा, तो हमें थोड़ा इसके लेके थोड़ा फील भी होता था, तो हम इसको समझाते रहते थे कि भाई तू ये कर रहा है उसके साथ थोड़ा बहुत काम भी कर ले जो तेरे से हो सकता है, क्योंकि सब बहुत सारी चीज़ें तो तू कर नहीं सकता, तो जो तेरे से हो सकता है वो करते रह, जैसे घर में थोड़ा इनकम भी आएगा, टेंशन भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे सिविल में भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम करता था, लोगों के साथ जुड़ता था, उनका सब काम करवाता था, बहुत सारी चीज़ें या कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था इतने कम एज में ही। बहुत टैलेंटेड बंदा है, हंसी मजाक करता है, बट टैलेंटेड बहुत है, लोगों को अपने बातों में फंसा सकता है, इतना टैलेंटेड है। फिर इसके बाद गाइज आपको बताना चाहूँगा, इस समय वो 9, 10, 11 और इस समय वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और इसने अपने आप को धीरे धीरे इतना चेंज करते चला गया कि आज मैंने बोला ना, इसलिए आपको कितना परसेंट मिला था स्टार्टिंग वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप डे बाय डे अपने आप को कितना चेंज कर रहे हो, और फुल टू अपना नेचर एकदम हंसी मजाक वाला वो रखता है और ऐसा ही है। और आप भी देखो, मुझे बाद में पता चला, बोलो भाई इसकी लाइफ में इतना टेंशन है फिर भी हमेशा हंसता रहता है, तो कभी वो टेंशन बयां नहीं करता, उसके चेहरे पर कभी टेंशन दिखेगा ही नहीं। घर में इतने प्रॉब्लम पर उसके चेहरे आज तक आपको दिखा कि पाठक के घर में इतना टेंशन था, क्योंकि वो उसके चेहरे पर आता ही नहीं है, वो जितना होता है मस्त वाला इंसान है। तो गाइज यही है, ओमकार एंड पाठक दोनों मेरे स्टूडेंट ही है, और मेरा कनेक्शन इसी तरह से स्टूडेंट के साथ ही है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ की जर्नी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। बाय बाय एंड अपना ध्यान रखो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ।